हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घटना सार और करंट अफेयर्स आई का सम्मिलित रूप से ही हम शुरू किए हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। भारत सरकार ने रत्न और आभूषण को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है। इससे निर्यात, विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। अगला बिंदु है, हाल ही में आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है। मार्च 2024 में आरबीआई के पास 822.1 टन सोना रिजर्व है, जिनमें से 413.8 विदेश में जमा था। दोस्तों, ये कोई ऐसा सोना नहीं कि जो ब्रिटेन ने हमको दिया है, ये हमारा ही सोना है जो हमने विदेशों में रख रखा है रिजर्व के रूप में। तो जैसे कोई दो व्यक्ति हो तो एक के पास में पैसा हो, उसने बी को रखने के लिए रख दिया हो, रखे रहो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वापस ले लूँगा। उसी तरह से भारत सरकार ने विदेश में जो सोना रखा था उसमें से 100 टन सोना हम वापस लाए हैं। गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका नंबर एक पर है और भारत 9वें स्थान पर है। नंबर एक पे अमेरिका है और भारत का स्थान 9वां है विश्व में। अगला बिंदु है, जिम्बाब्वे के द्वारा जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया गया है। दोस्तों, जिम्बाब्वे में बहुत दिनों से मुद्रा स्फीति की स्थिति चल रही है, बहुत हाई लेवल की। तो वहाँ की स्थानीय जो मुद्रा है, लोगों का उस पर भरोसा नहीं है। तो अमेरिकी डॉलर के रूप में लगभग 80% लोगों ने लेन देन शुरू कर दिया है। अब उस स्थिति में जिम्बाब्वे ने अपनी नई एक जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से नई मुद्रा जारी किया है। उसी जिम्बाब्वे गोल्ड को ही शॉर्ट फॉर्म में जिग कहा जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना है। अगला बिंदु है, वित्त वर्ष 2024 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारी साझेदार रहा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार जो हैं, नंबर एक पे है चाइना, 118.4 अरब डॉलर का व्यापार हम इनसे करते हैं। वहीं नंबर दो पे अमेरिका है, 118.3 अरब डॉलर का व्यापार हम अमेरिका से करते हैं। नंबर तीन पे यूएई है और नंबर चार पर रूस है, पाँच पर सऊदी अरब है। तो व्यापार के मामले में ये पांच देश हैं, चीन, यूएसए, यूएई, रूस और सऊदी अरब। अगला बिंदु है, चीन को भारत का निर्यात 8.7% से बढ़ करके 16.6 अरब डॉलर हो गया है। देखिए, हमारा चीन से कितना जो व्यापार असंतुलन है वो बहुत ज़्यादा है। हम निर्यात करते हैं मात्र 16.6 अरब डॉलर का और आयात करते हैं लगभग 102 अरब डॉलर का, यानी कि 87 अरब डॉलर के आसपास में क्या है, हम व्यापार घाटा सहते हैं चाइना से। चीन से व्यापार को आयात 3.24% बढ़ करके 10.7 अरब डॉलर हो गया है। अगला बिंदु है, आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी का अनावरण किया है। फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस
और टेक्नोलॉजी का सम्मिलित रूप फिनटेक कहलाता है। प्रवाह पोर्टल विनियमन सहायता हेतु है। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप खुदरा निवेशकों का सरकारी प्रतिभूतियाँ के लेने के लिए सहमति है या सहायता है। फिनटेक रिपोजिटरी फिनटेक फार्म डाटा है। अगला बिंदु है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। भारत की एयरलाइन की क्षमता जो है 2024 अप्रैल तक 15.6 मिलियन सीट का हो गया है। नंबर एक पे अमेरिका है, नंबर दो पे चाइना है और नंबर तीन पे हमारा भारत महान है। नंबर चार पे जापान है और फिर पांच पर ब्राज़ील है। अगला बिंदु है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 होकन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। गिरावट का मतलब है कि एक साल में कितने यूनिकॉर्न बनते हैं। पहले आप जान लीजिए यूनिकॉर्न होते क्या हैं। एक बिलियन डॉलर की ऐसी कंपनी जो एक साल के अंतर्गत इस उपलब्धि को प्राप्त किया हो और वह सांख्यिकीय रूप में सेबी या अन्य किसी जगह पर रजिस्टर्ड ना हो तो उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। तो 2017 से लेकर के अभी तक यूनिकॉर्न लगभग बढ़ रहे थे, चल रहे थे, लेकिन इस बार केवल 67 यूनिकॉर्न कंपनी एक साल में बनी है भारत में, जो कि 2017 के बाद गिरावट देखा गया है। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न यूएसए में है, फिर चीन में है, फिर नंबर तीन पे हम हैं जरूर लेकिन गिरावट के साथ, चार पर ब्रिटेन है। यूनिकॉर्न राजधानी सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, यूएसए में है, इसे यूनिकॉर्न कैपिटल के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न बनते हैं। भारत का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है स्विगी और ड्रीम अलेवन। स्विगी और ड्रीम अलेवन सबसे महत्वपूर्ण यानी बहुत मूल्यवान हैं। वाईजू दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू डिस्ट्रॉयड कंपनी है यूनिकॉर्न से बाहर। अगला बिंदु है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए हैं 2000 के बाद और कुल वृक्ष हानि 60% राज्यों में है, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अब यहाँ पे एक दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा वृक्ष की हानि पूर्वोत्तर में ही क्यों हो रहा है। भाई जहाँ जंगल होंगे वहीं कटेंगे, तो यहाँ पे जंगल ज़्यादा हैं, यहाँ पे वृक्ष कट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हानि हुआ है। अगला बिंदु है, भारत मानक ब्यूरो द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दो नए मानक पेश किए गए हैं, ISI 8594/2024, ISI 86006/2024। दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, माल ट्रक, ये इनकी श्रेणियां हैं। वर्तमान में BIS के पास EV इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है के लिए 30 मानक हैं। ये जो लिखा हुआ है ये EV है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, R की तरह जो दिख रहा है, बल्कि ये R नहीं है, E और V है, EV। भारत की पहली सैटेलाइट
इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी टाटा LIG द्वारा पेश किया गया है। पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी बीमा टाटा LIG के द्वारा पेश किया गया है। अगला बिंदु है FDI पर अंकटाण की रिपोर्ट। 2023 में FDI यानी फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, इस मामले में भारत का स्थान 15वां है और शीर्ष प्राप्त करता है अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग। यानी भारत का स्थान 15वां है। RBI ने सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश को मंजूरी दिया है। RBI ने सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश को मंजूरी दी है। RBI अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत RBI अधिशेष का हस्तांतरण करती है। अगला बिंदु है ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार न्यूयॉर्क USA, लंदन UK, सैन जोन्स USA ये 3 महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं। भारत की तरफ से शीर्ष 3 हैं, जो दिल्ली है 350वें स्थान पे, बेंगलुरु है 411 और मुंबई है 427। यानी जो ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है इसमें टॉप 3 हैं और भारत के टॉप 3। भारत के जो सबसे टॉप में हैं वो विश्व में 350वें स्थान पर है, दिल्ली। इन रैंकिंग में 163 देशों के 100 सबसे बड़े शहर शामिल किए गए थे, 1000 सबसे बड़े शहर शामिल किए गए थे और 1000वां शहर है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे लास्ट में है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का। आयाम क्या है? अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण तथा शासन, ये मानक हैं। UNDP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। विश्वभर में 2022 में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद होता है, जो कि प्रति व्यक्ति 79 किलोग्राम बर्बाद होता है। इनका मूल्य क्या है? $1 ट्रिलियन यानी कि पर 84 करोड़ रुपये। यानी कुल खाने का 1% बर्बाद हो जाता है। विश्व में 83 मिलियन लोग भूख से लड़ रहे हैं। दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक खाना बर्बाद करने वाला देश मालदीव है। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे कम खाना बर्बाद करने वाला देश भूटान है और भारत में 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के रूप में खाना बर्बाद होता है। ध्यान देने की बात है कि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा मालदीव 207 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष बर्बाद करता है। वहीं दक्षिण एशिया में सबसे कम भूटान 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति बर्बाद करता है और भारत में 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाना बर्बाद होता है। खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात और आयात, रूस यूक्रेन के कारण युद्ध के कारण व्यापार में शिथिलता है। वस्तु निर्यात में वृद्धि 3.11% है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है, परंतु आयात में 5.41 वृद्धि हुई है।
2023-24 में भारत का कुल निर्यात वस्तुगत और सेवा 776.868 अरब डॉलर का हुआ है, यानी कुल निर्यात में 0.04% की वृद्धि देखी गई है और सेवाओं में निर्यात में 4.39% की वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों, यह रहा आज का, इसके आगे कंटिन्यू कर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।